प्राण प्रतिष्ठा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आध्यात्मिक जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, अभी मैं भावुक हूँ। आज तो मेरी वही स्थिति है जो वनवास से भगवान राम के लौटने के समय वशिष्ठ जी की थी। इससे आगे मैं अब क्या कहूँ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश की ढेरों प्रतिष्ठित हस्तियाँ शामिल हुई, जिसमें आध्यात्मिक जगत गुरु राम भद्राचार्य भी शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद गुरु राम भद्राचार्य बेहद भावुक नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद गुरु राम भद्राचार्य ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की, साथ ही उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि वह अगले लोकसभा चुनाव में बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भव्य राम मंदिर में रामलला की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आपसे क्या कहा, इस पर गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, उन्होंने हमारा हालचाल लिया और पूछा, कहिए महाराज। फिर हमने कहा, आनंद है, आपका मंगल हो। आपने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया, इस पर गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, प्रसन्न रहिए, आप सफल होइए। क्या पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे और उन्हें कितनी सीट जीतेंगे, इस पर आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य ने कहा, हाँ, वो चुनाव आराम से जीत जाएंगे, उन्हें इस बार 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने इस अवसर के बारे में कहा, जैसे भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे, उसी तरह की यह प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आज सांस्कृतिक आज़ादी का पहला दिन है। आज से देश शुद्ध रूप से सांस्कृतिक रूप से आज़ाद हुआ है। ऐसे में इस पावन अवसर पर हम जश्न मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। बड़ी शांति से और विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई।